सो वेलकम फ्रेंड्स आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल एजे एक्वेरियम के अंदर तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा पिछली वीडियो पे अपना प्यार दिखाने के लिए जो आपने कमेंट्स और जो भी आपने लाइक्स करे हैं और कुछ लोगों ने कुछ क्वेश्चंस uh, किए थे मेरे को स्पेसिफिकली एक्वेरियम ग्लास स्क्रैचेस वगैरह से रिलेटेड और ड्र से रिलेटेड तो उनको मैं कहना चाहूँगा कि नेक्स्ट वीडियो जो है उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बनेगी उसके बाद मैं अपने खुद के टॉपिक्स जो है वो कवर करूँगा तो बस उस टाइम का इंतजार कीजिए ठीक है।, है अभी जो मैंने फ्रीक्वेंसी रखी हुई है वो दो वीडियो की है पर वीक जो कि मैं अभी तक फुलफिल कर पा रहा हूँ तो जैसे जैसे जो है वॉल्यूम बढ़ेगा जैसे जैसे वीडियो इंगेजमेंट बढ़ेगा जितनी जल्दी व्यूज़ आएंगे मैं उतनी जल्दी जल्दी वीडियोज़ को जो है ऑन डिमांड उसी हिसाब से जो है बनाता रहूँगा तो दोस्तों आज की वीडियो जो है वो स्पेसिफ़िकली एक न्यू ब्रांड और नई कैटेगरी से रिलेटेड है ये एक कम्प्लीटली फूड प्रोडक्ट के ऊपर जो है मैं आज बात करने वाला हूँ द गुड पार्ट इज़ आजकल मेक इन इंडिया मेक इन इंडिया बहुत ज़्यादा चल रहा है तो आपको पता ही है कि ज़्यादातर फूड्स जो आते हैं वो सारे चाइनीज़ कंपनीज़ हैं मैनुफैक्चरिंग भी चाइना में होती है कंपनीज़ भी चाइनीज़ हैं या फिर जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती और वाटर जो है वो क्लाउडी भी हो जाता है और कभी कभार जो है उसमें कलरेशन भी देखने को मिलती है लाइक हल्का सा रेडिश हो जाता है ब्राउनिश हो जाता है येलोइश हो जाता है तो अब जो फूड प्रोडक्ट के बारे में आज मैं, मैं आपसे बात करूंगा उसमें ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा दूसरी बात अब इसके अलावा जो अच्छे ब्रांड्स आते हैं वो सेरा फूड आता है आपको पता ही होगा जो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाया भी था बट दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव उसका एक ये सिमिलर साइज़ का डब्बा अगर मैं बात करूँ तो वो हज़ार रुपये से स्टार्ट होता है और एटीन हंड्रेड तक जाता है ये नॉर्मल फूड की बात कर रहा करूँ उसके अलावा उसमें लाइक स्ट्रिम फूड आता है वॉर्म्स आते हैं ट्यूब इफिक्स वाम्स आते हैं उसके अंदर क्या कॉस्ट और ज़्यादा इंक्रीज़ होती जाती है बिकॉज प्रीमियम प्रोडक्ट है ब्रांड नेम है इसीलिए ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए मैं आपको सीधा पहले इसके बारे में बता देता हूँ इसकी जो रेंज है वो आपको डेढ़ सौ से स्टार्ट होगी और छः सौ तक जो है वो मैक्सिमम जाएगी और इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको इतना बड़ा पैक लेने की ज़रूरत है इसमें छोटे बॉक्सेस आते हैं सेम इसी तरह के या फिर ऐसे छोटे सैशे आते हैं जो सिर्फ 25 ग्राम है और आप उसको इजीली जो है बाय कर सकते हैं अगर आप डब्ल्यू ए फिश फूड डालेंगे तो आपको गूगल पे कई तरह की वेबसाइट्स दिख जाएंगी जहाँ पे ये फूड अवेलेबल होगा स्टार्टिंग फ्रॉम Amazon, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ब्रांड इन इंडिया राइट नाउ एंड फ्लिपकार्ट एंड many मोर Easy Pets, काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स हैं तो कॉस्ट के बारे में मैंने बता दिया क्वालिटी आपको पैकेजिंग वगैरह सामने आपके दिख ही रही होगी बहुत ही प्रीमियम पैकेजिंग है फूड प्रोडक्ट की इसके अंदर क्यों ज़रूरी है हमें वैरायटी ऑफ़ फ़ूड से मैं आपको समझा देता हूँ जैसे कि आपको पता ही है आप बर्गर भी खाते हैं पिज्ज़ा भी खाते हैं रोल भी खाते हैं बहुत तरह का खाना खाते हैं घर के नॉर्मल दाल चावल भी खाते हैं जिंदा तो आप दाल चावल खाने से भी रह सकते हो फिर बाकी का खाना क्यों खाते हो अपने आप को खुश रखने के लिए आपको टेस्ट अच्छा लगता है तो इसीलिए जो है फूड मार्केट भी बहुत अच्छी तरह से चल रही है राइट तो इसी तरह से फिशेज़ को आप नॉर्मल खाना देंगे तो ऐसा नहीं है कि वो जिंदा नहीं रहेंगी बिल्कुल जिंदा रहेंगी कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है अगर बिल्कुल ही लो क्वालिटी का फूड देंगे तो उसमें आपको वाटर क्लाउडिनेस या फिर फिश के बीमार होने के चांसेज स्टमक ब्लोटिंग की प्रॉब्लम जो है सबसे ज़्यादा होती है वो आप फेस कर सकते हैं ये जो प्रोडक्ट्स हैं स्पेसिफिकली एज आई सेड मेड इन इंडिया है अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर कोई भी प्रिजर्वेटिव या आर्टिफिशियल कलरिंग जो है वो ऐड नहीं की गई है जिसकी वजह से आपको पानी पे इसका कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा प्लस इसमें तीन तरह के फूड हैं अगर मैं फिज़िकल उनकी अपेयरेंस की बात करूँ तो बॉल्स भी हैं स्टिक्स भी हैं बड़े पैलेट्स भी हैं फ्लेक्स भी हैं और इनकी अगर मैं फ्लोटिंग की बात करूँ तो इसमें आपको कुछ इस तरह के फ़ूड मिलेंगे जो नॉर्मल फूड सबसे ज़्यादा जो आजकल मार्केट में चलते हैं वो यही होते हैं कि उसमें खाना आप डालते हो वो ऊपर फ्लोट करता है और फिर आपको स्लो सिंकिंग पैलेट्स में वो इसमें मिलेंगे जनरली स्लो सिंकिंग पैलेट्स आपको किसी और ब्रांड में नहीं मिलते हैं बट इसमें स्लो सिंकिंग भी हैं यानी कि आपने डाला और वो धीरे 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 करता हुआ जो है खाना आपका नीचे जाएगा और एक नॉर्मल सिंकिंग होता है कि आपने डाला डालते ही वो नीचे जाना शुरू कर देगा तो ये डिफरेंस होना क्यों ज़रूरी है मैं आपको बताता हूँ क्योंकि कुछ फिशेस जो हैं कई वेराइटीज़ होती हैं टैंक के अंदर वो ऐसी होती हैं जो सिर्फ़ ऊपर से खाना खाती हैं फॉर एग्जांपल अरवाना एंड मनी मोर उसके अलावा कुछ फिशेस होती हैं वो टैंक के मिड में रहती हैं वो ऊपर से नीचे से दोनों जगह से खाती हैं कुछ होती हैं वो सिर्फ नीचे से खाती हैं ऊपर आती ही नहीं है तो उन तक खाना पहुंचना भी बहुत ज़रूरी होता है उनको स्पेसिफ़िकली बॉटम ड्वेलर्स के नाम से बुलाया जाता है लाइक like, प्लेकोस की जो है ज़्यादातर वेराइटी वो नीचे से ही खाना खाती हैं ऊपर नहीं आती हैं और कुछ लोग तो उनको खाना देते नहीं है सोचते हैं उन्होंने एलगी खा ली तो उनका खाना हो गया ऐसा नहीं है बहुत बड़ी गलत है आपकी एलगी खाना उनकी हॉबी है एक तरीके से आप समझ लीजिए जिस वजह से वो आपका टैंक साफ़ रखती हैं एलगी खा के लेकिन उनके ग्रोथ के लिए और उनके हेल्दी रहने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको उनका खाना भी दिया जाए बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ा तो एटलीस्ट दिया ही जाए सिर्फ एक चीज़ से उनकी पूरी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स जो है वो कम्प्लीट नहीं हो सकती हैं चलो तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए प्रोडक्ट के बारे में बात कर लेते हैं तो पहला प्रोडक्ट जो मेरे पास है इसमें छोटे छोटे बॉल्स हैं ठीक है छोटे छोटे पैलेट्स हैं फ्लोटिंग पैलेट है चिकलेट वाइटल पैलेट्स इसका नाम है ये स्पेसिफिकली जो है डिज़ाइन किया गया है कलर इनहेंसिंग के लिए एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो है ये चिकलेट वेराइटी से लेके आपका गोल्ड फिश वरायटी तक हर किसी के अंदर जो है ये चलता है बेसिकली बट स्पेशली जो है वो कलरेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है फॉर सिकलेट वरायटी ठीक है फ्लोटिंग पैलेट है पहले चार प्रोडक्ट में आपको फ्लोटिंग पैलेट ही दिखाने वाला हूँ नेक्स्ट है नाम से ही आप समझ जाएंगे फ्लावर हॉर्न प्रो मिनी पैलेट्स इसका साइज थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि आप सभी को पता होगा फ्लावर हॉन जो होती है वो काफ़ी जल्दी ग्रो करती है तो उसको बड़े बड़े फूड खाने की जो है आदत पड़ जाती है इनफैक्ट वो लाइफ फीडिंग भी लेती है तो ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ये स्पेसिफ़िकली डिज़ाइंड है उसकी ग्रोथ के लिए और उसके कलरेशन के लिए क्योंकि फ्लावर ऑन बहुत जल्दी ग्रो करती है और उसमें कलर्स जो हैं काफ़ी ब्राइट होते हैं और ये जो फिश है ये कॉन्टेस्ट वगैरह के अंदर भी जाती है तो लोग इसका कुछ खास ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं क्योंकि वो इसको कॉन्टेस्ट में लेके जा रहे हैं तो कॉम्पिटन में लेके जा रहे हैं तो डेफ़िनेटली वो सब हर कोई ये चाहेगा कि उसकी फिश सबसे ज़्यादा कलरफुल हो उसका हेड जो है वो सबसे ज़्यादा बम्पी हो क्योंकि फ्लावर ऑन ब्रीड के अंदर वही चीज़ जो है सबसे ज़्यादा मैटर करती है नेक्स्ट प्रोडक्ट यहाँ पे मेरे पास है रेड मिलानो नाम से नाम से स्पेसिफिकली शायद आपको थोड़ा समझ में आ ही रहा होगा रेड लिखा हुआ है तो रेड कलर को फिशेस के अंदर जो है स्पेसिफिकली ब्राइट करता है उनके पिगमेंट्स को जो है इनहस करता है स्पेसिफिकली जो ये प्रोडक्ट है वो आपका डिज़ाइंड है ऑस्कर फिश के लिए फ्लावर ऑन फिश के लिए मैंने बताया था कलर्स बहुत ज़्यादा होते हैं और रेड पैरेट नाम से ही रेड पैरेट है फिश तो आपको पता ही है उसको रेड कलरेशन की रेड पिगमेंट्स की कितनी ज़्यादा जरूरत होती होगी ग्रो भी ये तीनों फ़िश जो हैं बहुत जल्दी ग्रो करती हैं तो ये फूड जो है स्पेसिफ़िकली उनके लिए डिज़ाइंड है एंड चिकलेट वैरायटी भी इस फूड को जो है खा सकती है पैलेट साइज़ नॉर्मल बॉल्स के कंपैरेटिव बड़ा है क्योंकि बड़ी फिशेस होती हैं जल्दी बड़ी होती हैं तो इनको ज़्यादा बड़ा बड़ा खाने की आदत भी होती है अच्छा नेक्स्ट फूड जो है मेरे पास अरवाना फ़िश के लिए है इसका नाम जो है वो अरवाना न्यूट्री है नाम से ही आप समझ गए होंगे कि अरवाना फिश के लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइंड है दोस्तों ये एक ऐसी फिश होती है जो इस तरह से लेंथ में बहुत जल्दी बहुत जल्दी बड़ी होती है और इसकी बॉडी को कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स की जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो ये पर्टिकुलर फिश फूड जो है ये उसी फिश के लिए डिज़ाइंड है और ये बॉल फॉर्म में ना होकर स्टिक फॉर्म में है पतली पतली स्टिक्स को बीच में से काटा हुआ है एक लाइक like, अच्छी क्वालिटी के राइस लाइक like बासमती राइस के साइज़ के अंदर स्टिक थोड़ी सी मोटी होगी बट लेंथ ऑलमोस्ट उतनी होती है तो ये भी जो है आपका फ्लोटिंग था अब मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ माइक्रो फिश फीड के बारे में माइक्रो फिश फीड जो है ये एक स्लो सिंकिंग पैलेट है इसका जो बॉल साइज़ है वो बहुत ही छोटा है स्पेसिफिकली जो ये डिज़ाइन किया गया है वो टेट्रा ब्रीड के लिए न्यन टेट्रा वगैरह जो आपने देखा होगा ब्लू लाइट वाली फिश होती हैं या फिर फाइटर फिश होती हैं तो इस ब्रीड के अंदर जो है टेट्रा फिश के अंदर ज़्यादातर बहुत छोटी छोटी फिशज़ होती हैं ऊपर से आके खाना खा लेती हैं लेकिन ज़्यादातर ये आपका नीचे बीच में मिड साइज ऑफ़ द टैंक के अंदर जो है खाना खाना पसंद करती हैं इसीलिए स्लो सिंकिंग पैलेट जो इनके लिए डिज़ाइन किया गया और बॉल साइज़ जो है बहुत ही छोटा बिल्कुल माइक्रो रखा गया है जिससे फिश को खाने में जो है बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो बहुत ही ईजिल उसको खा पाए मेरे पास जब थी लाइक ये छोटी छोटी फिशेज और गपी फ्राइज़ वगैरह थे तो मैं नॉर्मल जो फूड होता है हमारा बॉल वाला उसको क्रश करके डाला करता था जिससे कि वो इजीली खा पाए तो इस फूड में ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है प्लस स्पेसिफिकली न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर वही एडिड हैं जो उनके कलर को ब्राइट करने के लिए लाइक न्योन डेटर में आपको पता है वो ब्लू कलर की लाइट ग्लो करती है तो उन चीज़ों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है स्लो सिंकिंग पैलेट धीरे नीचे जाने वाला नेक्स्ट मेरे पास है फ्लेक फूड तो फ्लेक फूड जो है बेसिकली ये हर तरह की फिश खा सकती है और ये मरीन के अंदर भी चलता है और नॉर्मल आपका जो ट्रॉपिकल टैंक है इसके अंदर भी चलता है बेसिकली जो डिज़ाइन किया गया है इसका नाम आई फ्लेक्स है इम्यूनिटी इन्हेंसिंग फ्लेक्स तो इम्यूनिटी इंक्रीज करता है आपकी फ़िश की लाइक कोई भी डिजीज़ हो उससे लड़ने की ताकत अपार्ट फ्रॉम दैट फिश के जो स्टमक में ब्लोटिंग होती है किसी भी फिश के हो या हल्का फुल्का कचरा वचरा हो ये बेसिकली उनको क्लीन करने का भी काम करता है उनके डाइजेशन सिस्टम को जो है क्लीन रखता है नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है मेरे पास ये कंप्लीटली जो है सिंकिंग पैलेट है मैं आपको बता देता हूँ इसका नाम है बॉटम डोलर स्वीट तो नाम से ही पता चल रहा है जो बॉटम डोलर्स होते हैं उनके लिए है जो मैं आपको प्लेकोस वगैरह के बारे में बता रहा था इसका जो बॉल साइज़ है वो काफ़ी बड़ा होता है डार्क कलर का फूड है क्योंकि वो उसी तरह की चीज़ें जो है खाना पसंद करती है इसका कलर वगैरह हर चीज़ उस तरीके से डिज़ाइन की गई है तो बॉटम डेलर जितनी भी होती है हमारे लोचेस वगैरह हो गए कॉरिडोराज हो गई प्लेकोज हो गए ये उन सब के खाने के लिए एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी हमारे स्नेल्स वगैरह हैं वो भी इसके ऊपर आराम से बैठ के मंचिंग कर सकते हैं श्रिम्स भी इसकी मंचिंग जो है इजीली कर सकते हैं नेक्स्ट फूड मेरे पास दोबारा से सिंकिंग पैलेट है बहुत ही अलग तरह का फूड है इसका जो चिप साइज है अगर आप में कभी डॉग फूड देखा हो तो पैडिगरी वगैरह उसके तरह का इसका जो है डिज़ाइन किया गया है ये है प्रीमियम फिश के लिए स्टिंगरे एंड अदर क्रस्टेशन यू नो you लाइक know, like, जो भी हमारे क्रस्टेशन में आपको बताया तो क्या होता है क्रेफिश हो गई मिनी लॉबस्टर्स हो गए जो टैंक में हम लोग रखते हैं क्रैब्स हो गए श्रिम्स हो गए इन सबको को बोलते हैं जो अपने ऊपर का कोड जो है चेंज कर सकते हैं एंड उसके हिसाब से जो ये लोग ग्रो करते हैं स्टिंगरे आप सभी को पता है हर कोई रखना नहीं है क्योंकि वो रहती भी काफ़ी चूजी फिश के साथ ही है तो इसको रखना जो है बहुत इजी नहीं होता है तो इसके लिए कंप्लीटली टैंक सेटअप भी अलग होता है फिश भी आपको बहुत सोच समझ के रखनी पड़ती है ये उनके ऊपर अटैक करके उनको खा भी सकती है तो ये उसका पेट भर के रखता है काफ़ी बड़े साइज़ का पैलेट होता है एक या दो पैलेट उसने खा लिए तो इजीली वो पूरा दिन निकाल लेती है अच्छा नेक्स्ट फूड हमारा मोस्ट पॉपुलर फिश से रिलेटेड है विच इस गोल्ड फिश गोल्ड फिश सिंकिंग पैलेट्स नाम से ही आप समझ गए होंगे कि सिंकिंग पैलेट तो है ही और गोल्ड फिश के लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइन है इसमें स्पेसिफ़िकली एक चीज़ एडिशनली ऐड करी गई है जो गोल्ड फिश रखते हैं या रख चुके हैं उन्हें मालूम होगा कि वो बहुत ज़्यादा खाना खाती है आप उसको जितनी बार खाना दोगे वो खाना खाएगी जिसकी वजह से बहुत सारी गोल्ड फिशेज़ जो है वो मर भी जाती हैं लीवर एंड लार्ज या फिर स्टमक ब्लोटिंग से इसके अंदर स्पेशली ऐसी चीज़ें डाली गई हैं जो स्टमक ब्लोट को बिल्कुल कंप्लीटली स्टॉप कर देती हैं तो अगर आपकी फ़िश ने ज़्यादा खा भी लिया है तो मत डाला करिए बट अगर खा भी लिया तो आपको डरने वाली कोई बात नहीं है ये खाना जो है उनकी हेल्प करेगा और गोल्ड फिश के जो फैदर्स हैं वो भी काफ़ी जल्दी जो है ख़राब होते हैं आपस में लड़ने से या डिजीज़ से ये उन उसके लिए इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करके उसको बचाता भी है लास्ट डब्बा है मेरे पास डॉर्फ न्यूट्रिशन के नाम से तो नाम से आप समझ गए होंगे डॉर्फ रिलेटेड ब्रीड से है और साउथ अमेरिकन जो चिकलेट वाइटी है उन सभी के लिए होता है इसके पैलेट साइज़ एक सिंकिंग पैलेट है और पैलेट साइज़ भी बहुत छोटे हैं सेम उसी की तरह जो मैंने आपको पहले एक फूड दिखाया था ये माइक्रो फिश फीड ठीक है जो मैंने आपको बताया था बेटा और नियन टेट्रा के तो ये सिकलेट वैरायटी जो होती है ये वाली साउथ अमेरिकन बेसिकली ये बहुत जल्दी ब्रीड करती है स्पॉन करती है तो इनके एग लेइंग क्वालिटीज़ की वजह से बहुत जल्दी इजीली एग लेइंग कर देते हैं तो बच्चे वगैरह भी बहुत जल्दी हो जाते हैं तो उसमें ये खाना अगर आप डालेंगे तो बच्चे भी इस खाने को जो है जो फ्राइज़ होते हैं वो भी इजीली जो है कंज्यूम कर सकते हैं इसीलिए इसके जो पैलेट साइज़ है उसको माइक्रोफीड की तरह ही बहुत छोटा डिज़ाइन किया गया है एंड सिकलेट वैरायटी के लिए है तो काफ़ी कलरफुल होती है उनके कलर पिगमेंटेशन को भी जो है ये पूरा मेनटेन करके रखता है ओके okay, गप्पी के बारे में बात कर लेते हैं इस खाने का नाम जो है न्यूट्रेना गप्पी फीड है बहुत ही माइक्रो ग्रैनुल्स होते हैं इसके अंदर 0.4 पॉइंट mm के रीज़न ये है गप्पी जो लोग रख चुके हैं या ऑलरेडी रखना चाह रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फूड है उनके लिए क्योंकि गप्पी एक ऐसी फिश है जो सबसे जल्दी अगर आप गूगल भी करेंगे ईजी मोस्ट ईजीएसट फिश टू ब्रीड घर पे अगर आप करना चाहते हैं आपको शौक है कि बच्चों को छोटे से ग्रो करके बड़ा करने का तो ये खाना जो है उसमें भी हेल्प करता है तो गप्पी जो है सबसे जल्दी बच्चे देती है और लाइव बियर बोलते हैं यानी कि जिंदा बच्चों को जन्म देती है तो वो भी इस खाने को ईजीली जो खा सकते हैं पैदा होता है बच्चा भी इतना छोटा इसका ग्रैनुल साइज़ जो है जो पैलेट साइज इतना छोटा बनाया गया है दूसरी चीज़ कलर को ध्यान में रखते हुए गप्पी बहुत ही कलरफुल होती है बट कई लोग जिन्होंने ब्रीड ऑलरेडी किया हुआ है उन्होंने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि जो उनके घर में ग्रो हो रहे हैं बच्चे वो कलरफुल तो होते हैं बट उतने ज़्यादा नहीं होते जितने उनके पेरेंट्स हैं जो आप परचेस करके लाए थे उसका रीज़न दोस्तों यही होता है कि एक तो ब्रीडर्स जो है वो उनको काफ़ी बड़ी जगह पे जो है ग्रो करते हैं उनके पास काफ़ी स्पेस होता है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वहाँ पे जो वो फूड प्रोवाइड करते हैं लाइफ फूड ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मिलते हैं या फिर वो वो स्पेशल इस तरह के फूड्स यूज़ करते हैं जिससे उनका कलरेशन जो है बहुत अच्छा हो जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनको खरीदें चलिए इसको रखते हैं लास्ट पैकेट पे आ जाते हैं हमारे लास्ट पैकेट जो है हमारी सबसे ब्यूटीफुल फिश के ऊपर है नाम से ही आप समझ जाएंगे न्यूट्रेना बेटा फूड तो ये जो है ये 0.7 पॉइंट सेवन है बेटा फूड का भी आपको पता होगा कि अगर बेटा आप रखते हैं अगर आपने उसकी ब्रीडिंग के बारे में बताया तो बेटा भी काफ़ी जल्दी ब्रीड जो है वो कर जाती है हालाँकि उनको ब्रीड स्टार्ट कराने का प्रोसीजर काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है अगर आप लोग कोई क्वेश्चन उन चीज़ों से रिलेटेड आप मेरे को डेफिनेटली कॉमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं तो बेटा फिश के अंदर जो है फैदर्स काफ़ी बड़े होते हैं प्लस उसकी कलरेशन जो है वो सबसे ज़्यादा ब्राइट और सबसे ज़्यादा कलरफुल होती है तो उसको जो स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से डिज़ाइन किया गया है और इसके ग्रैनुल्स और जो जो पैलेट साइज़ है वो भी बहुत छोटा है माइक्रो रखा गया है सो दैट फिश जो है वो ईज़िली कंज्यूम जो है इसको कर पाए और इन केस अगर बेबीज दे देते हैं ये एग ले करने वाली फिश है और तो अगर इनके स्पॉनिंग हो जाती है ब्रीडिंग होने के बाद तो बच्चे भी जो है इस पैरड साइज़ को ईजिली खा सकते हैं तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन इस कम्प्लीटली न्यू प्रोडक्ट डब्ल्यू ए फूड फिश फूड के बारे में एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको इन चीज़ों से कोई भी क्वेश्चन हो या आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का इन डिटेल इन डेप्थ अगर इन्फॉमेशन चाहते हैं तो आप डेफिनेटली मेरे को कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं तो जैसे मैंने बताया था कि लास्ट वीडियो में भी मेरे को कुछ लोगों ने कुछ चीज़ें पुट अप किए थे आप भी डेफिनेटली मेरे को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके पुट अप कीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर मैं उनका जितना जल्दी हो सकता है रिप्लाई करूँगा सो इनफॉमेसन अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सपोर्ट माई चैनल विद अ सब्सक्राइब थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग